फ्रेंड्स नमस्कार, मेरा नाम मोहित गुप्ता है। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमजी टेक्निकल में स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एमएस एक्सेल में चेकबॉक्स कैसे बनाएं। तो चेकबॉक्स बनाने के लिए आप हमारे एक्सेल में चलते हैं। तो आइए हम लोग अपने एक्सेल पे चलते हैं। तो ये हम अपने एक्सेल शीट पे आ गए हैं। मैंने एक छोटा सा शॉपिंग लिस्ट बनाई हुई है, इसे मैंने डाला है। आइटम नेम ले लिया, आइटम नेम में कुछ आइटम मैंने फिल कर लिए हुए हैं और यहाँ पे मुझे अपना चेकबॉक्स बनाना है। तो चेकबॉक्स बनाने के लिए आप पहले आप डेवलपर टैब को ऑन कर लें। तो डेवलपर टैब कहाँ से ऑन होता है बताते हैं आपको। आप ये फाइल पर जाएंगे, फाइल पर जाने के बाद आप ये ऑप्शन नीचे आएंगे, ये ऑप्शन आएगा, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये आपका ये विंडो ओपन हो के आ जाएगा। और विंडो में आपको ये यहाँ पे आपको देखिए कस्टमाइज रिबन, तो आप यहाँ पे आएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, देखेंगे थोड़ा जूम कम कर लेते हैं। ये देखिए हम ये आपको दे रहा है। तो ये आपका डेवलपर वाला देखिए ऑप्शन आपका शो करने लगा है। ये देखिए ये डेवलपर वाला है, इस पर आप क्लिक करेंगे एंड ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो ये देखिए ऊपर ये आपका डेवलपर टैब ऑन हो गया है। ये देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसमें बहुत सारे ऑप्शन देते हैं आपको, कोडिंग वाले देता है, इसमें आपका विजुअल बेसिक भी आता है और ऐड करने के लिए आता है, कुछ आइटम्स ऐड करना हो। ये इसमें आपका कंट्रोल टूल बॉक्स मिल जाता है, XML मिल जाता है और बहुत से इसमें टूल्स बॉक्स मिल जाते हैं। तो मुझे चेकबॉक्स बनाने के लिए ये कंट्रोल में यहाँ मुझे जाना पड़ेगा, इंसर्ट में, इंसर्ट भी जाएंगे। ये आपका कुछ मतलब कि ऑप्शंस आ जाएंगे इसमें फॉर्म कंट्रोल्स, उस पर आप ये चेकबॉक्स आपको शो कर रहा है, इसको आपको क्लिक करना है, मतलब ले लेना, सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप अपने चेकबॉक्स को ड्रैग कर लेंगे। जैसे मैंने चेकबॉक्स ड्रैग कर लिया, ठीक, तो जैसे मैंने चेकबॉक्स को ड्रैग कर लिया हुआ है तो ये कुछ इस तरह से चेकबॉक्स हो गया है। आप इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, यहाँ पहले आप एडजस्ट कर लीजिए जहाँ एडजस्ट करना हो। और इसके बाद जैसे ही आपको टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट को हटाने के लिए आप चेकबॉक्स पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप चेकबॉक्स का जो टेक्स्ट लिखा है उसको हटा सकते हैं। ये मैंने हटा दिया अपना चेकबॉक्स का टेक्स्ट, ओके। अब मैं कहीं बाहर भी क्लिक कर लेता हूँ तो देखिए मेरा चेकबॉक्स हट गए है। जैसे मुझे इसको थोड़ा और अच्छा बनाना है चेकबॉक्स को, तो आप चेकबॉक्स पे वाइट क्लिक करेंगे। वाइट क्लिक करने बाद ये आपका है फॉर्मेट कंट्रोल, फॉर्मेट कंट्रोल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये देखिए आपका 3D वाला आ गया, 3D आपको दिखाएगा, 3D भी क्लिक कर देंगे तो आपका चेकबॉक्स और 3D बन जाएगा, अच्छा लगे देखने में। ये देखिए तो कुछ 3D टाइप का बन गया चेकबॉक्स। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हम लोग, ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। ये देखिए मैं छोटा कर लिया, ठीक। अब मुझे इसको कॉपी करना है बाकी, तो कॉपी करने के लिए आप सिंपल सेल पर क्लिक करेंगे, कॉपी कर लेंगे और इनको सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए आपका चेकबॉक्स कॉपी हो गया है। तो इसको मुझे चेकबॉक्स में कॉपी हो गया है, इसके आगे मुझे करना है अपना। और इसके बाद भी मैंने चेकबॉक्स बनाए हैं, मुझे इसको इससे ये जो बगल वाला मेरा सेल है इससे मुझे एक्टिवेट करना है, मतलब कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए आप इस पर चेकबॉक्स पर राइट क्लिक करेंगे, ये आपका चेकबॉक्स सेलेक्ट हो गया है। आप फॉर्मूला बार पे जाएंगे, फॉर्मूला बार पे इक्वल पर इक्वल करें टाइप करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, इक्वल के बाद आप बगल वाले सेल को सेलेक्ट कर लेंगे एंड एंटर कर देंगे। तो ये आपका ये चेकबॉक्स में काम करेगा, बाहर कहीं करके चेक कर सकते हैं, देखिए चेकबॉक्स में काम कर रहा है, ठीक। ऐसे ही आपको बाकी भी करने हैं, सबको सेलेक्ट कर लीजिए, मैं थोड़ी जल्दी कर देता हूँ। तो थोड़ी जल्दी तो ये देखिए आपके बगल वाले सेल में ये आपका ट्रू फॉल्स का शो करने लगा है। तो इसको कर दीजिए, जैसे आप चाहते हैं इसको नहीं देना चाहते हैं
तो इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और इस पर अपना वाइट कलर कर देंगे, जो भी करना है आपको इस पर वाइट कलर कर देंगे टेक्स्ट पे, तो ये आपका शो नहीं करेगा। ओके, ये आपका शो नहीं करेगा। तो ये जो हमारा है ये चेकबॉक्स इससे कनेक्ट हो चुका है, तो इसको मैं कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, फिर जाएंगे ये न्यू रूल्स पे जाएंगे, न्यू रूल्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप ये फॉर्म अपने फॉर्मूले पे जाएंगे, फॉर्मूले पर जाने के बाद आप इक्वल करेंगे, इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद आपको ये सेल को सिलेक्ट करना है, चेक बॉक्स बगल वाला जिसको आपने एक्टिवेट किया है, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लिया है। ये आपका देखा डॉलर साइन बन के आ गया हुआ है, और ये जो डॉलर सेकंड वाला A4 के बीच वाला डॉलर को मुझे हटाना है, तो ये हटाने से मतलब ये होगा इस साइड को डॉलर लगा हुआ है, ये आपका कॉलम सिलेक्ट रहेगा। ओके, इसके बाद आप इसमें फॉर्मेटिंग कर लीजिए जो भी फॉर्मेटिंग करनी हो। तो मैं फॉर्मेटिंग गया, इसको बॉट बोल्ड कर दिया, फॉन्ट बढ़ा दिया है जैसे कि मैंने 12 का फॉन्ट बढ़े नहीं इस, और इसके बाद मैंने ये आप कर सकते हैं लाइनिंग जो दी जाती है आप लाइनिंग दे सकते हैं, और फिल बजाएंगे, फिल के बाद जाने में आप जो भी कलर देना चाहे दे सकते हैं, कलर दे देंगे, और इसमें आप चाहें तो बॉर्डर दे सकते हैं, तो बॉर्डर इसमें कोई जरूरत तो है नहीं उसे फिलहाल। ओके, तो आप इसको ओके कर देंगे, जैसे आप बोलेंगे देखिए आपका कुछ इस तरह से फॉर्मेट दिखेगा, और उसके बाद आप इसको ओके कर देंगे। ओके, जैसे आपने इसको ओके किया तो ये देखिए इसके बाद आपका कुछ इस तरह, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है दो ये आपका मतलब कलर में हो जाएगा, ये बता देगा कि आपका ये चेक हो गया है। ये देखिए जैसे आप चेक करेंगे तो ये आपका ये बोल्ड आइटम बोल्ड हो जाएगा, हाईलाइट करने लगा कि आपने इस पर चेक कर लिया है। ऐसे आप बाकी भी देख सकते हैं, जैसे बाकी मैंने चेक किया है, ये देखिए मैं चेक कर सकता हूँ, मैं चेक कर लिया, ये बोल्ड कर देगा इसको आप ऑटोमेटिक बोल्ड कर दे जो हमने लगाया फॉर्मेटिंग में। ये देखिए आपका कुछ इस तरह से दिखेगा, अनचेक करेंगे तो बोल्ड हट जाएगा, कलर जो हमने लगाया फॉर्मेटिंग वो हट जाएगी। ओके, ये देखिए। ओके, और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अच्छे मतलब जो भी आपको उसे पूछना हो आप वो पूछ सकते हैं, और बाकी लोगों को वीडियो को शेयर करें।